गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार। सब सभी को सुप्रभात। हम पढ़ेंगे आज रुबाइयां। रुबाइयां लिखी है फिराक गोरखपुरी ने, है फिराक गोरखपुरी, जिनका नाम रघुपति सहाय फिराक था। और 28 अगस्त 1896 1896 गोरखपुर, अर्थात गोरखपुर लगाते हैं, गोरखपुर में जन्म हुआ, इसलिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो वहां पर हुआ। और आपकी जो शिक्षा है वो रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बात की शिक्षा अरबी फारसी अंग्रेजी में 1917 में 1917 में आपके नाम से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए। उसके बाद फिर आप स्वतंत्रता स्वराज्य आंदोलन चल रहा था उस समय, उस आंदोलन से जुड़ गए और 1918 में आपने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी हुई आपको, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। सम्मान मिले आपको गूले नगमा के लिए, किताब थी इनकी, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको मिला और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी आपको मिला। महत्वपूर्ण कृतियां हैं इनकी, गुले नगमा, बजमे जिंदगी, रंग शायरी, उर्दू गजल गोई और 1983 में आपका देहावसान हो गया। 87 ईयर की उम्र में आपका आप देवलोक गमन हो गया। तो आपने रुबाइयां गजलें बहुत सारी चीजें लिखी है अपने, है ना, तो उनको पढ़ते हैं, है ना। रुबाइयों को पढ़ लेते हैं पहले। रुबाइयों में क्या होती है, रुबाइयां भी छंद है, उर्दू का एक छंद कहलाता है रुबाइयां, है ना। तो ये रुबाइयां वात्सल्य जो रस है, वात्सल्य रस से युक्त है, है? और इनमें नन्हे जो शिशु है, नन्हे जो बालक है, उसकी अटकेलियां हैं, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं हैं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य भी है। तो यह है इसका सार, देख लेते थोड़ा सा, है ना। माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लेकर खड़ी है, क्या रुबाइयों के अंदर, एक माँ अपने प्रिय शिष्य को आंगन में लेकर खड़ी है, कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है खिलाती है, कभी हवा में लहराती है, शिशु झूले खाकर खिलखिला उठता है, हंसता है, मुस्कुराता है, कभी माँ छलकते हुए जल में शिशु को नहला देती है, लाती है, वह उसके उलझे बालों में कंघी करती है, तब वह घुटनियों में से माँ के मुख को निहारता है। यह दीपावली की शाम को पूरा कर सजा हुआ है, दीपावली आती है, दीपावली सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, सामने चीनी के खिलौने रखे हुए हैं, चीनी मिट्टी होती है। इस बीच रूपवती माँ दमकते मुख से बच्चे की घरों दो में भी दिया जलाती है। एक अन्य दृश्य है, बच्चा आंगन में ठुक रहा है, वह चांद की हाथ में लेने को, चांद को हाथ में लेने की जिद पर अड़ गया है कि मैं चांद खिलौना ले हूं। माँ उसे शीशे में से चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, माँ चांद अंदर शीशा लाती है और शीशे में उसको चांद की प्रतिबिंब छाया दिखाती है, कहती ले ले खेल ले, इसे कहती है कि लो ये शीशे में चांद उतर आया था, ये आईने में शीशे के अंदर तुम्हारा चांद आ गया, खेल लो इसलिए लो। रक्षाबंधन की सुबह है, अगला जो रुबाई है उसके अंदर है, आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है, आसमान में जो बादल छा रहे हैं, नन्ही बालिका बिजली की तरह चमकते हुए लच्छों वाली राखी और अपने भाई की कलाई पर बांधती है। तो इस प्रकार का ये वर्णन है इसके अंदर, पढ़ेंगे अपन रुबाइयों को, ध्यान से सुनेंगे ना। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की मां। ठीक है, ये पंक्तियां हैं, क्या रुबाइयां, रुबाइयां एक छंद होता है, इसमें क्या नाम से पहला दूसरा और चौथा उसमें तुकांत होता है, तुक मिलते हैं, लेकिन तीसरे में नहीं मिलता, ये काशी होती है इसके अंदर। तो देखा होगा आपने कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, दो में मिल गई, फिर तीसरी में वो नहीं है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ठीक है भाई, चांद का टुकड़ा मुहावरे जैसे भी प्रयोग करते हैं या इसमें, तो चांद का टुकड़ा होता है बहुत प्यारा अपना प्यारा बेटा, और
गोद भरी, गोद में भरकर उठा करके रह रह के फिर से उत्साह में और मचल मचल के लोका देना, उछाल उछालना, उछाल उछाल करके प्यार प्रकट करना, इस प्रकार के ये इनके अर्थ है। तो समझ लिया आपने। यहाँ शायर कहता है, क्या कहता है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, अर्थात चांद जैसे टुकड़े अपने प्रिय पुत्र को एक माँ आंगन के अंदर बीच में उठा करके खड़ी हुई, एक माँ अपने प्यारे शिशु को, प्यारे बच्चे को गोद में लिए आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, कभी उसे हाथों पे झुलात लगती है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, अर्थात हाथों में उठाती है झुलाती है, और रह रह के हवा में जो लोका देती है, कभी उसे हवा में उछाल उछाल करके प्रसन्न करती है, उठा दे बच्चे को, उठाना नीचे उठा लाना है? और गूंज उठती है, खिलखिलाती है बच्चे के ऐसी, शिशु के माँ, शिशु माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिला उठता है, उसकी हंसी बरबस फूट, हंसी बच्चे की हंसी बरबस फूट पड़ती है। ये है इसका अर्थ, भावार्थ जो कह रहा हूँ व्याख्या इसकी ना। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, अर्थात अपने चांद जैसे प्रिय बेटे को, अपने सबसे प्रिय बेटे को, लाडले को, एक माँ आंगन में लेके खड़ी है, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, अर्थात हाथों में उसको उठाती है, खिलाती है, झुलाती है, कभी उसे उछाल देती है, प्रसन्न करती है बच्चे को ना, रह रहे के हवा में जो लोका देती है, अर्थात उसे हवा में, कभी उसे हवा में झोंका देती है, उठाती है, उछाल कर प्रसन्न करती है, शिशु माँ के हाथों में झूल कर झूले खाकर खिलखिला उठता है, उसकी हंसी बरबस फूट पड़ती है, गूंज उठती है, खिलखिलाती है बच्चे की हंसी, अर्थात हंसता हुआ बच्चा जो उसकी हंसी है वो खिलखिला करके फूट पड़ती है, बरबस फूट पड़ती है। ये है। तो इसके कुछ प्रश्न देख ले आप, है ना। इस काव्यांश में कवि तथा कविता का नाम लिखिए, कवि का नाम तो आप जानते हैं फिराक गोरखपुरी जिनका नाम था, और किताब का नाम रुबाइयां है, हो गया। चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए हुआ, तो चांद का टुकड़े का प्रयोग उस माँ के बेटे के लिए हुआ है जो सबसे प्रिय है उसको, है? माँ द्वारा शिशु खिलाने का दृश्य अंकित कीजिए, अर्थात माँ उसको उठाती है, उछालती है हवा में, है? खिलाती है, है? और बच्चा बरबसी हंस पड़ता है, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है, वात्सल्य का सबसे मनोरम चित्र यहाँ हो सकता है, है? कि माँ पुत्र को अपनी गोदी में खिलाए, झुलाए, गुदगुदाए, बेटा भी माँ से वात्सल्य पा करके और किलकारियां भरे, है? ये दोनों चित्र इस काव्यांश में साकार होते हैं, इसलिए ये काव्यांश वात्सल्य रस का सुंदर चित्रा ये हो गया है। ठीक है भाई। और अगला है दूसरा, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती है कपड़े। बड़ा अच्छा है वो, है यहाँ भी आप उसका अर्थ समझ ले पहले। छलके 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 मतलब ढुलक कर गिर पड़े, छलके मतलब ढुलक जाना, निर्मल होता है पवित्र जल, पवित्र पावन जल, है ना, जल होता है पानी, और उलझे हुए गेसु, गेसु होता है बाल, और घुटनियों में, घुटने मतलब माँ के कोमल घुटने, पहनाती मतलब पहनाती है, है? ये इनके अर्थ है, याद करना इनको, याद रखना। तो माँ कहती है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से माँ पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका छलका करके नहलाया, माँ ने नहला के छलके छलके निर्मल जल से, अर्थात माँ ने पहले सबसे पहले अपने बेटे को, अपने लाड को, लाल को, शिशु को साफ साफ और स्वच्छ पानी में अपने हाथों से छलका छलका करके, जल छलका छलका करके नहलाया है। तो उलझे हुए केशों में कंघी करके, फिर उसने उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की, उलझे हुए गेसों में कंघी करके
कैसे होते हैं बाल, बालों में कंघी करना। फिर उसने क्या किया, उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिनाते कपड़े। जब उसने अपनी घुटनियों में शिशु को थाम कर उसे कपड़े पहनाए, जब माने उसने अपनी घुटनियों में शिशु को थाम करके पकड़ करके और उसे कपड़े पहनाए, तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख की ओर देखता है, निहारता है। ये सब दृश्य बड़े रोचक है, ठीक है। जब उसने अपने क्या नाम से घुटनियों में शिशु को थाम करके पकड़ करके उसको कपड़े पहनाए, तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख को देखता है, माँ के मुख को निहारता है। ये सब जो दृश्य है बड़ा ही रोचक है। यहाँ देखो, बच्चे को नहलाने का दृश्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। माँ अपने बड़े अपने बेटे को निर्मल स्वच्छ जल से नहलाती है। बेटा छलकते हुए जल के कारण बहुत प्रसन्न और उमंगित हो रहा है। ये हो रहा है। माँ बच्चे के बालों में किस प्रकार कंघी करती है, नहाने के कारण बेटे के लंबे लंबे केश, लंबे लंबे बाल अधिक उलझ गए हैं। माँ उन उलझे हुए बालों में कंघी करती है। अर्थात माँ जो उनके बालों को उलझा रही है कंघे से ठीक कर रही है। अर्थात माँ उन बालों के उलझे हुए बालों को कंघी करती है। बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार देखता है, जब माँ बेटे को अपनी कुटनियों को अपने थाम कर नए कपड़े पहनाती है, तो उसके मन में अपनी माँ के प्रति प्यार उमड़ाता है। वह स्वयं को सजाने वाली माँ बड़े प्यार से निहारता है। यह हो गया। माँ अपने बेटे को कपड़े किस प्रकार पहनाती है, माँ अपने बेटे को कपड़े पहनाने के लिए उसे अपनी घुटनियों से मैं थाम लेती है। ये इसके प्रश्न है क्या नाम से रुबाई के, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। भाव सौंदर्य में आप जानते ही हैं, रुबाई में माँ और शिशु के अत्यंत सहज सर्ग नैसर्गिक मनोरम रूपों का वर्णन किया गया है। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है और छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रथम पंक्ति में लय की आवृत्ति से अनुप्रास है। येसु शब्द उर्दू प्रयोग है। गुटनियों और पिनाती में विशेष कोमलता मनोता है। यह है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा चित्र। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए केशों में कंघी करके और किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनों में लेके पिनाती है कपड़े। इस प्रकार से उर्दू और हिंदी और देश शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने इसमें किया है, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम तीसरा क्या नाम से ये दिवाली की बात, दिवाली का वर्णन है इसके अंदर। दिवाली का शाम का, दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरों में जलाती है। बात समझ आ गया कि दीपावली की शाम घर पुते हो सजे, दीपावली की शाम है, पूरी तरह से घर पुते हुए हैं रंग रोगन से और सुसज्जित है। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी और मिट्टी के जगमाते खिलौने लेकर आती है। चीनी के खिलौने जगमाते लावे, अर्थात माँ जो है उसके बेटे के लिए क्या करती है, अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी और मिट्टी के जगमगाते सुंदर सुंदर बर्तन खिलौने लेके आती है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, दमक होती चमक, अर्थात उस सुंदर माँ के मुख पर रूप सौंदर्य का एक मधुर आभा है। जब वो लाती है तो उस समय उस माँ के चेहरे पर एक नई चमक, एक नई आभा है। बच्चे के घरों में जलाती है दिए और वो बच्चों के खिलौने के बीच में भी एक दिया जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न होता है। बच्चे के घरों में जलाती है दिया, अर्थात बच्चों के खिलौने के बीच में से एक दिया जलाती है और जिसमें बच्चा प्रसन्न होता है। ये इसका अर्थ है। दोबारा समझे कि दीपावली की शाम घर पुते और सजे, दीपावली का दिन है, दीपावली की शाम है और घर क्या नाम से पुते हुए हैं, रंगों से साफ है, सुसज्जित है, चीनी के खिलौने जगमाते लावे और माँ अपने बेटे को खिलाने के लिए, अपने बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी के मिट्टी के जो होती है चीनी मिट्टी के जो खिलौने लाती है, जगमाते खिलौने और वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म,
और जब बुलाती है तो उस समय उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की आभा मधुर आभा चमकती है और वो बच्चों के खिलौनों के बीच में भी एक दिया जलाती है जिससे बच्चा प्रसन्न हो उठता है, बच्चे के घरों में जलाती है ये, जिससे बच्चा प्रसन्न हो उठता है, ये इसका अर्थ है। दीपावली के दिन घर की साज सज्जा कैसी होती है, अच्छी होती है, मकान पुताया जाता है, साफ सफाई किया जाता है, साफ सुसज्जित किया जाता है। दीपावली के दिन माता पिता माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है, अर्थात दीपावली के दिन माता अपने बच्चे के लिए मनोरंजन के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाती है, वे खिलौने जगमाते हुए बच्चे के मन को बहुत भाते हैं। बच्चे के लिए दिए जलाते समय माता के चेहरे पर कैसा भाव होता है, अर्थात बच्चे के लिए घरों ने दिया जलाते समय माता के चेहरे पर एक कोमलता चित की और दमक आ जाती है, वो दमक वात्सल्यकरण आती है, वात्सल्यता प्रेम है, माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम जो होता है उसको कहते हैं वात्सल्य, अर्थात उस वात्सल्य कारण ही उसके अंदर वो दमक आती है। माँ बच्चे के घरों में दिए किस लिए लाती है, माँ बच्चे के लिए घरों में दिए किस लिए लाती है, क्योंकि उसे प्रसन्न करने के लिए पहले खिलौनों का एक संसार बनाती है और फिर उस संसार को एक में से के बीच एक दिया जलाती है, इस प्रकार से वो लाती है। ठीक है, बात समझ में आ गए आपके, है ना, ये है तो इसको समझ लेना। दीपावली की शाम घर पुते उठ सजे, चीनी के खिलौने जगमाते लावे कौन मान आती है, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक उसके चेहरे से लाती है, उसके चेहरे पर एक दमक आभा आती है, बच्चे के घरों में जलाती है ये, जो वहां पर बहुत सारे खिलौने हैं खिलौने के बीच में दिया जलाती है जिससे बच्चा प्रसन्न उठता है और प्रसन्न उठता है तो उस समय मां प्रसन्न होती है, अर्थात एक नई दमक एक नई आभा उसके चेहरे पर दिखाई देती है। यह भाव सुंदर आप जानते हैं, सारा स्पष्ट हो गया। दीपावली की जगमग सजा, नया रंग रोगन, मिट्टी के खिलौने, दीपक जलाना, ये सब दृश्य दीपावली के उत्सव को आंखों के सामने साकार कर देते हैं। माँ की ममता कोमलता दमक बहुत सुंदर और स्वाभाविक वर्णन है। और रुबाई क्या नाम से इस प्रकार से अब पढ़ेंगे हम इसका आखिरी वो क्या नाम से जो आखिरी रुबाई। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया, जिद के कारण मसला हुआ जिदियाया, ठुनकना मतलब बनावटी तौर पर होना मचलना। बालक तो हुई चांद पे रल जाया है, अर्थात बालक पढ़ लेते एक बार। दर्पण उसे देखे कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। बड़ा अच्छा वर्णन है, बड़ा अच्छी क्या नाम से शब्दों का प्रयोग किया गया है कि आंगन होता है, आंगन जानते हैं आप, ठुनक होता है बनावटी, बनावटी या तौर पर रोना मचलना ठुनकना। बच्चा देखो ठुनक रहा, बच्चा मतलब मुंह बना के रो रहा है, ठुनक रहा है, बनावटी तौर पर रोना मचलना। जिद आया, जिद के कारण मचला हुआ है, कौन सा जिद, चांद को लेना उसको ना, है मतलब है ही, और दर्पण होता है शीशा और आईना भी होता है शीशा, है ना, ये है। तो यहाँ कवि कहता है, क्या कह रहा है कवि, कि आंगन में ठुनक रहा है जिद आया, कि देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है, क्या कर रहा है, देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है, जिद्याया मतलब मचल रहा है, आंगन में ठुक ठुक रहा है जिद्याया, अर्थात देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है। है बालक तो है ही चांद पे रल जाया, अर्थात जो बालक है वो बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर आ गया है, चांद देखा आसमान में, आसमान देख कर मुझे चांद चंद्रमा को लेना है, बच्चा है बालक है तो बालक के भावनाएं होती है, कह दे तो माँ किस प्रकार से चांद उसको अपने हाथ में देती है, तो बालक तो है ही चांद पे रल जाया, अर्थात बालक है ही वो, क्यों, उसका मन चांद लेने पर आ गया है, वह माँ से चांद लेने की जिद पर अड़ गया है, माँ को कह रहा है कि मुझे चंदा लेना है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, और माँ उसके हाथों में दर्पण कांच आईना देखकर कह रही है, बहलाती है, कहती है,
बहलाती हुई कहती है कि देख बेटे, देख आईने में चांद उतर आया है, देख बेटे चांद इस दर्पण में आ गया है, अर्थात चांद चाहे कांच के अंदर आ गया है, दर्पण को हाथ में ले ले अब वो तेरा हो गया है, देख आईने में चांद उतर आया है, अर्थात इस दर्पण को हाथ में ले ले, देख ले चांद जमीन पर आ गया है, चांद तेरे पास आ गया है। तो यह है, दोबारा देख ले इसको, आंगन में ठुनक रहा हृदय, अर्थात कवि कहता है कि देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मोट रो रहा है और मचल रहा है, वह बालक तो है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, जो उसका मन चांद लेने पर आ गया है, वह माँ से चांद लेने की जिद पड़ गया है, दर्पण उसे देखी कर रही माँ, है ना, दर्पणों से देखी कर रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद वह माँ से चांद लाने की पड़ गया है, माँ उसके हाथों में दर्पण देकर बहलाती है, कहती है कि देख बेटे चांद इस दर्पण में आ गया है, दर्पण को हाथ में ले ले अब वो तेरा हो गया है, अर्थात कहाँ तो ऊपर चांदमा है लेकिन कांच में दिखाया तो कांच के अंदर दिख रहा है चंद्रमा, अब वो तेरे हाथों में आ गया है, इसलिए इसको ले ले और देख ले। तो बड़ी अच्छा पंक्तियां है, ठीक है भाई। तो इसमें हम बच्चे की ठुनक हृदय का चित्र अपने बताई दिया मैंने आपको, माँ चांद के बदले अपने बेटों को कैसे दिखाती है, आईना लग के आती है और आईने में उसको चांद की प्रतिछाया दिखाती है, माँ चांद रूप में कैसे लाती है, प्रतिछाया दिखाएगी तो चंद्रमा दिखेगा उसको ना, ठीक है। अब है पांचवां जो अंतिम इसकी पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियों में पढ़ेंगे हम, रक्षा बंधन का वर्णन है, रक्षा बंधन पर क्या होता है, किस प्रकार से एक बहना भाई को रक्षा बनती है, किस प्रकार से सावन का जो बिजली और बादल का जो संबंध है वो बहन और भाई की प्यार से जोड़ा गया है। रक्षा बंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की फुल्की, हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं नच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अच्छा वर्णन है, रस की पुतली मीठी मीठी बातें और भावनाओं से वाली नन्नी बेटी रस की पुतली होती है, घटा जल से भरे काले बादलों का समूह होता है घटा, और लच्छा तारों से बना हुआ गहना जो पांव में बना जाता है, लच्छा बोलते हैं उसको, ये है। बाकी समझ में आ रहा है आपके सामान्य अर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिराक गोरखपुरी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, अर्थात फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है, आज रक्षाबंधन का दिन है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की हल्की घटा छाई है, छाई है घटा गगन में गगन की हल्की हल्की, नन्नी बालिका जो रस की पुतली से मधुर है, क्या पता है यहाँ पर रस की पुतली, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, अर्थात रक्षाबंधन के दिन जो नन्नी बालिका है वो रस की पुतली के समान है, से मधुर है और उमंग से भरपूर है, है? उसने पांव में लच्छे पहने हुए, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, है? उसने पांव में क्या नाम है लच्छे पहन रखे हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं, भाई के बांधती है चमकती राखी, वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है, अर्थात दोबारा सुने इसको, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, अर्थात बिजली चमकती है आसमान में उस तरह उसके जो हाथ में लच्छे हैं वह चमक रहे हैं, और इस प्रकार से भाई के बांधती चमकती राखी, इस प्रकार से वो भाई के अपने हाथों में वो राखी बांध रही है। तो यह है इसका अर्थ, बताई दिया आपको, रस की पुतली किसे कहा गया है, रस की पुतली छोटी बहन को कहा गया है, जो भी बहन है उसकी है, राखी बांधने वाली बहन है वो रस की पुतली के समान है, और राखी के दिन कैसा मौसम है, राखी का दिन थोड़ा बादल छाए हुए हैं आसमान के अंदर और आसमान में हल्के फुल्के बादलों की घटा छाई हुई है, रिमझिम सा मौसम है, सावन के अंदर आती है राखी रक्षाबंधन, और सावन का महीना बरसात का महीना होता है, बरसात का खुला खुला है लेकिन आसमान में बादल छा रहे हैं, यह है बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे का स्पष्ट कीजिए, अर्थात बिजली बहन ने अपने क्या नाम से जो पाजेब पहनी हुई है और वो पाजेब क्या नाम से बहुत चमकदार है,
बिजली की तरह लिए हुए हैं, तो ये बिजली हो गई। और राखी बांधती हुई बहन की मनोषा का वर्णन कीजिए। राखी बांधती हुई बहन प्रसन्नता से सरोवर है, उसकी प्रसन्नता उसके द्वारा लाई गई राखी में तथा पांव में पहनी हुई पाजों में चलक रही है, ये है। तो इस प्रकार से ये रुबाइयां आपकी जो खत्म हो गई है, और इनके बाद आप पढ़ेंगे हम गजल। तो गजल हम कल परसों जब भी आएंगे उसके बाद पढ़ना होगा हमारा, पढ़ेंगे बेटा गजल, ये अच्छी है ये है। तो आज इतना ही काफी।